मित्रों, आपका सहयोग एस्ट्रो फाइनेंस को जिस तरह से मिल रहा है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको दो रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल पंडित राजकुमार शर्मा सब्सक्राइब करिए, और दूसरा एस्ट्रो फाइनेंस में सब्सक्रिप्शन करिए, जिससे आप डेली, वीकली और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी स्क्रिप्ट्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो आज 28/12/2020 है। अगले 1 से 2 दिन में अगर हम बाजार का रंग देखें तो डेफिनेटली बाजार जो है इस वक्त 47,300 के करीब करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। पॉसिबल है कि ये 47,500 का आंकड़ा भी छू जाए, आज नहीं तो कल, यानी कि एक्सपायरी से पहले पहले 45,000 का आंकड़ा छू सकता है, 47,500 का आंकड़ा छू सकता है। मगर कभी भी वॉलेटिलिटी जो है वो नजर आ सकती है, इसलिए सोच समझ कर खेलें। फ्यूचर एंड ऑप्शन को एट दिस प्रेजेंट पोजीशन में अवॉइड करें, और इसी तरह निफ्टी जो है वो 14,000 का आंकड़ा छू सकता है। नीचे के स्तर जो है हमने अपनी एस्ट्रो फाइनेंस की प्रिडिक्शन में फोरकास्ट किए हुए हैं। अब हम बात करें गोल्ड यानी सोने और चांदी की। आपको याद होगा कि मैं पिछले 3 महीने से लगातार अपनी फोरकास्ट में लिख रहा हूं कि चांदी खरीदिए। 62,000 में चांदी मैंने प्रिडिक्ट करनी शुरू करी थी, आज 68,000 के ऊपर चांदी चली गई है। पॉसिबली ये चांदी अगर आप आज भी खरीदते हैं तो ये 70,000 रुपये पर केजी आपको 30 जनवरी से पहले पहले इसका आंकड़ा छूता हुआ दिखाई देगा। चांदी की प्रिडिक्शन और सोने की प्रिडिक्शन बरोबर हमारी जा रही है। मार्केट टॉप बॉटम जरूर कर रही है, मगर अब भी स्केरी सा माहौल जरूर बना हुआ है। और उसके बाद हम तेल की बात करें तो तेल के ऊपर भी हमारी प्रिडिक्शन 100% सही हुई, यानी हमने 3,550 का आंकड़ा बोला था, 3,580 पे बंद हुआ पिछले हफ्ते जब हमने प्रिडिक्शन करी। अब वापिस मैं 3,700 रुपये पर बैरल ऑयल जो है क्रूड ऑयल देख रहा हूँ, और नीचे का आंकड़ा 3,400 के करीब करीब हो सकता है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्टॉप लॉस रखकर काम करें। एस्ट्रो फाइनेंस, पंडित राजकुमार शर्मा, सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी कहीं भी आपके लाभ और हानि के जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार।